अच्छा आप भात बदलते हो तो बेरी रोटी खाना। अच्छा यो 11 बजे। तो गाइस हमने यहाँ पे आटा लिया है और चीनी लिया और इसे हम मिक्स करेंगे और पानी डालेंगे इसमें। तो बनाते हैं आज पहाड़ी डोसा। ये हमने ऐसे बना दिया इसको लटपटा सा। यहाँ पे हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। ये हमारा तेल रहा और हमने जो है तवे पे अच्छे से तेल लगा दिया है। ये रहा हमारा डोसा और इस पे हम जो है तेल लगाएंगे किनारे किनारे। मीठी शोर उठी। पलट दिया जाए। कहाँ जाओ? ये देख सकते हमारा पहाड़ी डोसा एकदम तैयार है। ये मेरी डोसा बड़ी हमारो और अब इसको पलट दो। तो गाइस अब हमने इसमें जो है तेल नहीं डाला है और हम इसको अब इसे जो है अब चम्मच से अच्छे से गोल गोल बनाइए। देख सकते मैंने बना दिया गोल और अब इस पे जो है तेल लगाया जाएगा। इसके किनारे तेल लगाएंगे चिपक न जाए किनारे से, इसीलिए हम किनारों पे तेल लगाएंगे। अब इसका काम शुरू। आराम से करना कहीं टूट ना जाए। और बहुत आराम से जो है इसे पलट दे। और फिर से जो है इनके किनारे पे तेल डाल लेंगे हम। ज्यादा नहीं लगा, जिसको जितना तेल पसंद है वो खा सकते। हम तो कम कम ही तेल लगाएंगे, बस पकने के लिए चाहिए तेल। तो गाइस हमारे छोया रोटी तैयार है और इन्हें हम खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़ और सिनाव गांव में। तो गाइस आज जो है हमने छोया रोटी बनाई थी और पहाड़ी नाश्ता जो होता है शॉर्टकट में बनाया था, तो आज हमने जो है छोया रोटी बनाए हैं। तो काफ़ी टेस्टी हुई थी वो मीठी छोया रोटी। और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होता है, इंटरेस्टिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पिंकू जो है बिस्तर से बाहर आ गया और सीधे पेड़ में चले गया है और नाखून तेज करने के लिए। पिंकू गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पे एक कुत्ता आया है, पता नहीं किसका कुत्ता है, गाँव वालों का। और मैंने इसे यहाँ पे रोटी दी तो ये रोटी खा रहा है आराम से। और पता नहीं किसका कुत्ता है, लग रहा मुझे बिमल और कुत्ता है यहाँ आ रखा है। तो मैं अभी जा रही हूँ दूध देने के लिए, दूध बेचने के लिए दिन के 1 बजे। तो आता दूध भी थोड़ी बोलो।
ঘরে বসো হ্যাঁ বেঠো আমি এটা বাকি ভাই ও तो गाइस यहाँ सब ने जो है पलायन कर दिया, देख सकते हैं यहाँ घर सभी ने छोड़ दिया है। ये हमारे खोए की गणेश और सारे घर जो है बंजर पड़ चुके हैं। ये हमारे दादा परदादों के बनाए हुए घर जो आज टूट चुके हैं। और ये चौक देख सकते हैं कितनी सुंदर चौक है यहाँ पे। तो गाइज ये सारे घर जो है टूट चुके हैं, सारे पुराने घर जो है। इनकी हालत ऐसी हो रखी है, कितने बड़े बड़े घर थे पहले और अब। और यहाँ पे जो है हमारे दादा पर दादू के घर जो है सारे बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि सब ने जो है शहरों की तरफ अपना घर बना दिया है और गांव में पहाड़ों में अपना घर छोड़ दिया है। और इनकी हालत जो है आज ऐसी हो रखी है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ मर जाऊँ। हाँ अच्छा, आप भात बदल दो बली भूख लगी करते ना बात कुछ नहीं, खाना खुना बनाया, झाड़ पोछा कर बस वही तेन मन तन रे भाई वो बाबा फोन आना ठीक ठीक अच्छा। अब क्या कर भात बढ़ो? अब भात बढ़ रहा हूँ। पोपका छे घास हो जाए तो मुड़िए छे जाए तो गदरा बन मुड़िए ओ तो खुन बेरों गदर बन दिया गई। चाय बढ़ो? ना ना चाय ना 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 चल जाओ पांच पैसे हो तो खाओ। अच्छा ओ तो गाइस ये है पुराने घर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिट्टी के घर है पूरे प्योर। गाइस ये है पहले जमाने के घर जो कि सब लोगों ने छोड़ दिया है, देख सकते हैं। ठीक कोई नहीं चिन्ह कोई नहीं नहीं कुछ तो पूरा गांव के नहीं। ये सारे बंजर पड़े हुए घर, तो गाइस यहाँ सबने छोड़ दिया। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं इन दरवाजों के हाल, सबने जो है अपने घरों को छोड़ के बाहर चले गए। अगर मैं इसको थोड़ा धक्का दूंगी सारा नीचे गिर जाएगा, देखिए गिर जाएगा गिर जाएगा। हम खिड़की से देखते, वैसे खिड़की पुराने जमाने की बहुत अच्छी खिड़की थी ये, लेकिन क्या करें सबने छोड़ दिया यहाँ।
तो गाइज ये ओखली है और यहाँ पे बन की हुई है ओखली। ये टमाटर लगे हुए हैं अच्छे छोटे छोटे टमाटर, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक इकलौता जो है आम का पेड़ है। गाइज यहाँ अंदर कौन है मेरे बैग के अंदर? कौन हो आप भाई? मेरे बैग के अंदर क्यों गए हो? क्यों गए हो मेरे बैग के अंदर? चलो बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो, मेरे कपड़े खराब कर दे सारे के सारे। चलो चलो बाहर निकलो पिंकू। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय हिंद। थैंक्स फॉर तीन टाइम बनायो खाना। थैंक यू।